हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सिक्स ट्रायंगल्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम BPT भी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम भी। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, ठीक है, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के, जो कि इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, जो इंटरसेक्ट करती हैं अदर टू साइड्स को, देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशो। तब ये क्या करेगी, जो दो साइड्स हैं उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, कौन डिवाइड करेगी, जो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करी है। मतलब आपके पास अगर एक ट्रायंगल ABC है और DE वो पैरेलल लाइन है जो कि आप BC के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो DE लाइन है ये ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर देती है, मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका गिवन आता है प्रूफ के लिए, जो आपको गिवन है आपको लिखेंगे यहां पर। तो क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको, AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC, ये आपको प्रूफ करना है। तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, हम B और E को ज्वाइन करते हैं, इसी तरह से C और D को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट D से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं AC पर। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसी तरह से इस पॉइंट E से भी AB पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या था, जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है उसको मैं यहां लिखता हूं, जॉइन BE एंड CD, ठीक है, हमने जॉइन किया ये, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसको EF मान लीजिए और ये G पॉइंट DG, ड्रॉ EF AB एंड DG परपेंडिकुलर टू CA, ठीक है। प्रूफ देखें, अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की ADE की, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में मैं बेस लेता हूं पहले AD बेस ले रहा हूं, ठीक है, तो AD के कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, EF, इस चीज को समझ लीजिए,
ये ए बी सी, ये भी ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बेस बोल रहे हैं, ये बेस यहाँ पर ये, ठीक है। बेस अगर मैं ये लेता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा वो हाइट कहलाती है, ठीक है। बेस के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ही आपकी हाइट कहलाती है। अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है, अगर हम किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको ही हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर मैं यहां से ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, तो ये हाइट हो जाएगी, हाइट होगी इस ट्रायंगल की किसके कॉरस्पॉन्डेंस, बी सी के कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, मुझे बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी है, तो यहाँ तो ऑलरेडी एल्टीट्यूड ड्रो है क्योंकि बी सी के अपोजिट वर्टेक्स क्या है आपका ए, और ए से ये एल्टीट्यूड ऑलरेडी आपका ड्रो है, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी आपकी ए बी, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया बेस बी सी और हाइट ए डी, इस केस में आपका बेस बी सी और हाइट ए बी, ठीक है। अब आप इस केस में आ जाइए, तो देखो बी सी तो आपका बेस आ गया यहां पर, अब मुझे बी सी के कॉरस्पॉन्डेंस हाइट निकालनी है, तो मैंने बताया था हाइट कैसे निकालते हैं हम, जिस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे हाइट निकालनी होती है उसके अपोजिट वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो उसी साइड पर। तो इसके अपोजिट ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है, और मुझे इस साइड पर अगर मुझे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले देखो ये साइड थोड़ा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी आगे तक इस तरह से, ठीक है। ये जो साइड है इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया है। अब यहां से हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, और यही मेरी क्या होगी आपकी हाइट। तो यहां पर हाइट क्या होगी आपकी, ये डी पॉइंट मान लीजिए ए डी, क्योंकि अगर मैं यहां से यहां पर ड्रॉ करूंगा तो वो मेरी हाइट नहीं होगी, वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जैसे मैंने इसको आगे तक इसको एक्सटेंड किया आगे तक, बी सी को बेस बी सी रहेगा लेकिन जो हाइट होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी हाइट है। तो अब देखो तीन केस आ गए आपके, एक में क्या है हमने इंटीरियर में ड्रॉ कर दी हाइट, दूसरे में क्या है साइड ही हाइट बन गया है, और थर्ड केस क्या आ गया ट्रायंगल से बाहर हाइट आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इस केस में ये ट्रायंगल है आपका ए डी, ये आपका अगर मैं ए डी बेस लेता हूँ तो इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी आपकी ई एफ, क्योंकि ई एफ क्या आपका परपेंडिकुलर है। तो सिंस ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, देयर फोर ई एफ इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो यहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है स्मॉल, इसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वन बाई टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। यहां पर मैं बेस लेता हूं ए डी,
और हाइट इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी ई एफ, ठीक है। इसी तरह से मैं एरिया फाइंड करता हूँ इस ट्रायंगल का डी ई बी, ठीक है। इस डी ई बी का मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर डी बी के लिए क्या बेस क्या होगा, यहाँ पर डी बी ये बेस होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, देखो इसके अपोजिट डी बी के अपोजिट वर्टेक्स क्या ई, और ई से परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ हो रहा है, ये ड्रॉ हो रहा है ई एफ, यानी कि देखो ये वाला केस आ गया आपका थर्ड वाला, एल्टीट्यूड जो है हाइट जो है बाहर ड्रॉ हो रही है, इस ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ हो रही है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू वन बाई टू बेस इंटू हाइट, वन बाई टू बेस यहाँ पर मैं लेता हूँ बी डी या डी बी बोल सकते हैं सर, ठीक है, इंटू हाइट क्या होगी यहाँ पर ई एफ, ई एफ। अब मैं यहाँ इसलिए फाइंड कर रहा हूँ, मैं इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से डिवाइड कर रहा हूँ, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे, तो इसका एरिया क्या है, वन बाई टू ए डी मल्टीप्लाई ई एफ ओवर, और इसका एरिया वन बाई टू डी बी मल्टीप्लाई ई एफ। तो ना देखो ई एफ से ई एफ कैंसिल, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, और ये आपका बचा ए डी ओवर डी बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन कहलाएगी आपकी फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या करते हैं, सिमिलरली वी हैव, इसी तरह से हम देखो जो दूसरी साइड है आपका, ये तो ये वाला साइड हो गया है ना, ये वाला साइड, इस साइड दूसरी साइड आते हैं, तो इस ट्रायंगल में ए ई इस बार बेस हो गया और डी जी क्या हो गया आपकी हाइट, और इस ट्रायंगल में ई सी आपका बेस हो गया, ठीक है, और डी जी आपकी हाइट। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई वन बाई टू ए डी मल्टीप्लाई ई एफ, ठीक है, ए डी ई में ए ई मल्टीप्लाई डी जी, सॉरी यहाँ पर ए डी मल्टीप्लाई डी जी, ए मल्टीप्लाई हाइट डी जी, और इस ट्रायंगल में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल्स टू वन बाई टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल्स टू वन बाई टू बेस, बेस इस बार यहां पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ई सी और हाइट डी जी रहेगी आपकी, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये वन बाई टू इंटू ए डी मल्टीप्लाई डी जी ओवर वन बाई टू मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई डी जी, डी जी से डी जी कैंसिल, वन बाई टू से वन बाई टू, और ये आपका आ गया ए डी ओवर ई सी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर फिगर में जो डी बी ई है, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, आर ऑन द सेम बेस
दोनों का बेस क्या है यहाँ पर, डी ई। अगर आप इसको इस तरह से देखें, देखो दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल तो ये आ गया आपका और दूसरा ट्रायंगल ये आ गया आपका, ठीक है। दोनों का बेस सेम है और दोनों लाई कर रहे हैं बिटवीन द सेम पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस है ना, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल। ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी एंड बी सी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बस इसको ऐसे ध्यान रखना कि अगर दो ट्रायंगल हैं जो कि सेम बेस पर आते हैं और से बिटवीन द सेम पैरेलल, तो उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम बेस था दोनों का और दोनों सेम पैरेलल लाइंस में लाई कर रहे थे, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इसके एरिया से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से देखो ए डी ई ओवर डी बी ई, ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा आपको, इक्वेशन फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, ए डी ओवर डी बी, तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी ए डी ओवर डी बी, और इसी तरह देखो इसकी वैल्यू कितनी है सेकंड इक्वेशन से, ए डी ओवर सी, तो सॉरी ये आपका ए ई, यहां पर ये ए ई है बेस ए ई, ठीक है, उसको चेंज कर लेना ए ई, इसको भी ए ई कर लो आप, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या था इस ए ई और हाइट हाइट डी जी, तो ये आपका आ गया ए ई ओवर
ई सी, ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था. ओके, थैंक यू.